छतरपुर जिले के भगवा थाना अंतर्गत घुवारा स्थित नगर परिषद के सामने सुबह 6 बजे पुलिस ने एक पिकअप से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। पकड़ी गई देशी विदेशी अवैध शराब की कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने पिकअप सहित शराब जब्त कर गद्दीदार सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुबह मुखबिर द्वारा भगवा थाना प्रभारी के खनेजा को सूचना दी गई कि एक पिकअप में भारी मात्रा में शराब भरकर लाई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर नगर परिषद घुवारा के सामने पुलिस द्वारा वाहनों की जांच शुरू की गई। सुबह 6 बजे जब पिकअप को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 102 पेटी अवैध रूप से देशी और विदेशी शराब पाई गई। ये शराब बड़ागांव धसान जिला टीकमगढ़ की दुकान से छतरपुर जिले लेकर आई गई थी। शराब दुकान का गद्दीदार अंकित रजक जो कि जिला सागर के राहतगढ़ थाना अंतर्गत रसोई का निवासी है, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पिकअप में मौजूद भूपेंद्र शिवहरे को भी गिरफ्तार किया गया है। 102 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है जिसमें देसी एवं ब्रांडेड विदेशी शराब है। जो जब्तशुदा शराब की कुल मात्रा करीब 885 लीटर है और जिसकी कीमत 7,65,000 रुपये आंकी गई है। ये शराब अपने टीकमगढ़ जिले में बड़ागांव तरफ से आ रही थी और सागर जिले में कहीं जा रही थी। इसमें एक आरोपी भूपेंद्र सिवहरे पिता रामकिशन सिवहरे निवासी भगौता थाना सिविल लाइन छतरपुर को गिरफ्तार किया गया है एवं एक अन्य आरोपी अंकित रजक पिता रामरतन रजक निवासी पड़ा रसोई थाना राहतगढ़ जिला सागर को बड़ागांव से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एवं जब्त शुदा शराब को चौकी पर रखा गया है।